दोस्तों सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों अपनी परिस्थितियों से समझौता कर हार मानकर बैठ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वही याद रखा जाता है जो अपनी खराब परिस्थितियों को अपने पैरों तले रौंदता हुआ अंधेरों में भी दीपक की तरह चमकता है। हैदराबाद की उन्हीं अंधेरी गलियों से निकला क्रिकेटर तिलक वर्मा उसी दीपक का उदाहरण है, जिसके क्रिकेट के जुनून को उसकी खराब किस्मत भी नहीं रोक पाई। तिलक का पुराना बैट टूट चुका था और घर की माली स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास नया बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन तिलक ने दोस्तों अपने टूटे हुए बैट को अपने भविष्य के आड़े आने नहीं दिया और उसी टूटे हुए बल्ले से वो कारनामा कर दिखाया जिसने उसे गलियों से उठाकर भारतीय क्रिकेट के सर का ताज बना दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कहानी क्रिकेट के उसी चमचमाते सितारे की जो अपने नाम की तरह ही भारतीय क्रिकेट के भावी भविष्य का तिलक है। क्रिकेट में कम दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नया नाम हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट प्रेमी तिलक वर्मा और उनके कारनामों से भली भांति परिचित है। दोस्तों 8 नवंबर 2002 में हैदराबाद में जन्मे तिलक वर्मा की शुरुआती जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी रही। ऐसे में तिलक वर्मा के क्रिकेट के लिए खर्चा जुटा पाना बड़ा मुश्किल था। तिलक वर्मा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनका बल्ला टूट गया था और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक नया बल्ला खरीद नहीं पाए थे, लेकिन तिलक का दोस्तों क्रिकेट के प्रति जुनून पक्का था और उन्होंने उस टूटे हुए बल्ले के साथ भी मैच खेलना जारी रखा। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि टूटे हुए बल्ले के साथ ही उन्हें अंडर 19 क्रिकेट खेलना पड़ा था, जहां उन्होंने उस टूटे हुए बल्ले के साथ ही ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिए और ऐसा खेल दिखाया जिसने उन्हें सीधा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की छोली में डाल दिया। उनकी उसी परफॉर्मेंस की बदौलत मुंबई इंडियंस की नजर उन पर पड़ी और तिलक एक साधारण खिलाड़ी से आईपीएल स्टार बन गए। बस फिर क्या था, तिलक को अपना हुनर दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिल गया था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए तिलक ने अपना वो खेल दिखाया जिसके रिकॉर्ड्स आज भी उनके टैलेंट को बयां करते हैं। तिलक वर्मा ने दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के अभी तक के कुल 2 सीजन खेले हैं। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 25 मुकाबले खेलते हुए 38.95 की औसत से 740 रन बनाए हैं, जहां ये रन उन्होंने 144.53 का स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। इसी दौरान उन्होंने 55 चौके लगाए हैं और 39 छक्के लगाए हैं। तिलक वर्मा नंबर 3 से दोस्तों नंबर 6 तक के बल्लेबाजी में फिट हो सकते हैं। दोस्तों लिस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 56 के औसत से 1236 रन बनाए हैं। वहीं इस खिलाड़ी ने 7 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेलते हुए 409 रन बनाकर अब अपना नाम इंडियन क्रिकेट टीम में भी दर्ज करवा लिया है। सिर्फ 20 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा मुख्य रूप से अंडर 19 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्य रूप से ऑलराउंडर तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म बॉलर हैं। तिलक वर्मा की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 14 से 15 साल के उम्र में ही क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली थी और बचपन में ही अपना फुल फोकस क्रिकेट पर लगा दिया था। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने 16 से 17 साल के उम्र में हैदराबाद के घरेलू क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था और सिर्फ 18 साल के उम्र में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2018 से 2019 में हैदराबाद के लिए रणजी में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 139 रन की पारी खेलकर मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तिलक को दिसंबर 2019 में 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में सेलेक्ट किया गया था। उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचों की 3 पारियों में दोस्तों अच्छे स्ट्राइक रेट से कुल 86 रन बनाए थे। तिलक ने अभी तक कुल 15 T20 मैचेस खेले हैं और इन मैचेस में इन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 143 के स्ट्राइक रेट से कुल 381 रन बनाए हैं। तिलक के दोस्तों इन्हीं शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1.7 करोड़ में खरीदा था। वास्तव में तिलक ने अपने उस फर्स्ट आईपीएल ऑक्शन की एक बड़ी ही इमोशनल कहानी सुनाई थी, जहां उन्होंने कहा कि उस दिन मैं कोच के साथ वीडियो कॉल पर था। जब मेरे ऊपर बोली लगाई गई तो कोच रोने लग गए। जब मुझे चुन लिया गया तब मैंने माता पिता को फोन किया, जिसके बाद वो भी कॉल पर रोने लगे और मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अपनी इस कहानी में तिलक ने उस कोच का वर्णन भी किया है जिन्होंने तिलक की खराब आर्थिक स्थिति में उनकी सहायता की थी। तिलक वर्मा को दोस्तों एक सफल क्रिकेटर बनाने में उनके कोच सलाम बयाश का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तिलक का परिवार आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था तो तिलक के कोच ने उनके साथ उनके सभी खर्चे उठाए और उन्हें क्रिकेट की बढ़िया ट्रेनिंग भी दिलवाई। दोस्तों तिलक वर्मा की ये कहानी हमें बताती है कि अगर लक्ष्य पक्का होना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। अगर व्यक्ति का निश्चय पक्का हो तो वह हैदराबाद की तंग गलियों से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है। बाकी आपको क्रिकेट के इस चमकते सितारे तिलक वर्मा की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।
और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।